नमस्कार बच्चों, मैं हरिंदर कुमार, क्लास नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड भाग। इससे पहले जो हमने फर्स्ट और सेकंड भाग में जो क्वेश्चन कराए थे, उसमें दो क्वेश्चन जो बीच में थे, 2 और 3, उन क्वेश्चनों को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से ही समझना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में px का गुणनखंड है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है, px px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x और प्लस 1, ये दे दिया। अब इसके बाद gx बराबर x प्लस 1, तो ये बताना है कि जो x प्लस 1 है वो इसका गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या काम करना होगा, जो x प्लस 1 दिया हुआ है, x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर माइनस 1, रखने पर, तो इसमें जहां पर भी x है तो हमें वहां क्या रखना होगा, माइनस 1। तो माइनस 1, ये 2, एक्स की जगह माइनस 1 आ जाएगा, प्लस एक्स की जगह माइनस 1, फिर माइनस 2, एक्स की जगह माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, अब इसी तरह से जो माइनस 1 है तो इसके 3 बार गुना करने पर कितना जाएगा, माइनस 1। अब माइनस 1 की 2 बार गुना करने पर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस 2 की माइनस 1 में गुना करने पर तो माइनस माइनस ये प्लस के 2। अब 2 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 2, प्लस 1, प्लस 2 और प्लस ये 1। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें माइनस 2 और प्लस 2 ये कट जाएगा, तो 1 और 1 कितना जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये इसमें यहां माइनस दिया हुआ है, माइनस 1। ठीक है, तो ये किसको जाएगा, इसमें तो ये माइनस 1, ये माइनस 1 और ये माइनस 1। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा कंप्लीट कर लो। तो क्वेश्चन था हमारे पास 2x³ प्लस x² माइनस 2x और माइनस 1 दिया हुआ था, जो गलती से हमने प्लस 1 कर दिया था। ठीक है ना, तो gx बराबर x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर माइनस 1 रखने पर, जहां पर भी इसमें x है उसकी जगह माइनस 1 आ जाएगा, तो ये माइनस 1, इस x की जगह माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 की 3 बार गुना करने पर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 की 2 बार गुना करने पर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 की माइनस 1 में गुना करने पर प्लस के 2 और माइनस 1। ठीक है, 2 की माइनस 1 में माइनस के 2, ये प्लस 1, प्लस 2, माइनस 1, तो माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा और प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो इसका मान कितना जाएगा, 0। तो जब 0 इसका पी एक्स की माइनस 1 रखने पर इसका मान 0 आ जाए, तो क्या है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो जी एक्स दिया होता है इसमें एक्स प्लस 1 और पी एक्स बराबर में दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस के 2x और माइनस 1
का गुणनखंड है। ठीक है, इसी तरह से इसमें जो क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड क्वेश्चन है और जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के। ठीक है, अब इसमें जो दिया हुआ है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो एक्स बराबर एक्स माइनस वन बराबर जीरो या एक्स बराबर एक रखने पर बहुपद का मान शून्य है। ठीक है, तो इसमें x की जगह वन रखने पर तो इसका मान कितना जाएगा, मान कितना हो जाएगा शून्य। तो हमें इसमें किसका मान बताना है, k का। तो ये x बराबर क्या रख देना है, वन प्लस एक्स ये वन आ जाएगा और प्लस ये k और बराबर इसका मान जीरो, एक का वर्ग एक ये वन हो जाएगा और ये k बराबर जीरो। तो वन प्लस वन, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू प्लस के बराबर ये जीरो, तो के का मान माइनस के टू। तो इस प्रकार हम के का मान इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है पी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस रूट टू। तो इसमें भी एक्स माइनस वन क्या दिया हुआ है, इसका बहुपद का गुणनखंड। तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो या एक्स बराबर कितना हो जाएगा वन। तो इसमें एक्स बराबर वन रखने पर बहुपद का मान क्यों जाएगा शून्य। ठीक है, अब इसमें जहां पर भी x है उसकी जगह में क्या रखना होगा वन, ये टू वन का होल स्क्वायर प्लस k यहां वन आ जाएगा और प्लस ये रूट टू और बराबर में जीरो। जब x माइनस वन बहुपद का गुणनखंड है तो बराबर में जीरो लेके चलनी है। ठीक है, अब ये वन का वर्ग कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये के और प्लस रूट टू बराबर जीरो, दो की वन में मल्टीप्लाई करने पर टू आ जाएगा, ये के हो जाएगा और प्लस ये रूट टू बराबर जीरो। तो के बराबर माइनस के टू और माइनस रूट टू, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो टू प्लस रूट टू। तो इस तरह से हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो के का मान कितना हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में टू प्लस रूट टू।
तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए जो दूसरी वीडियो थी सेकंड वीडियो में, और अब इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, इसको अच्छी तरह से फिर में कंप्लीट करना है। थैंक यू।